तथागत ने दिया मानवता का संदेश, भिक्कुओं ने दिया उसका उपदेश, और उससे मिला दुख मुक्ति का मार्ग। यूसी बुद्धा की खास पेशकश। भदंत धम्म सारथी के शब्दों से सुनिए धम्म उपदेश। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्व के ज्ञान के प्रतीक, विश्व के शेखर, हाँ थोड़ा सा पुनः शुरू कर के बराबर नहीं डाला। तथागत बुद्ध भारतीय संविधान के शिल्पकार एवं बुद्धायन धम्मा ग्रंथा के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर मेरे गुरु भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई सभी महामानव को मैं अभिवादन करता हूँ। युष्यन बुद्धा देखने वाले सभी श्रावक संघ उनको मैं उनका अभिनंदन करते हुए अपने बात को मैं अपने धम्म प्रवचन को शुरुआत करता हूँ। अभी जो विषय आपके सामने चल रहा है वो विषय है कि सामाजिक दुख। बाबा साहब ने कहा था कि जो व्यक्तिगत दुख होता है वो व्यक्तिगत स्वरूप में होता है, लेकिन सामाजिक दुख है, सामाजिक समस्याएं ये पूरे समाज के लिए होती है। उससे समाज, पूरा समाज उससे ग्रसित होता है, पूरे समाज को वेदना होती है, समाज को पीड़ा होती है। ऐसी समस्याएं, ऐसे दुख है, उसको सामाजिक दुख कहते हैं, या फिर उसको मास सफरिंग कहते हैं कि जिसके एक समूह को दुख होता है। तो ऐसे दुख को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमारे महामानवों ने भी उसी प्रकार किया। उन्होंने सामाजिक दुख को उन्होंने प्रथम दर्जा दिया और उसके बाद में द्वितीय दर्जा अपने व्यक्तिगत दुख को दिया। इसलिए हमें इसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर हम जो प्रबोधन में बता रहे लोगों को कि उसके कारण क्या है, सामाजिक दुख जो निर्माण होते हैं उसके कारण क्या है और उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा हो रही है। तो अभी हम ये विषय लिंग आपके सामने रखते हैं कि स्वयंभू अति मानव की भावना, यानी सेल्फ स्टाइल सुपरमैन की भावना। भारत में इस प्रकार की भावना ज़्यादातर हमें दिखाई देती है। जैसे कोई भिक्षु है, वो भिक्षु है, जंगल में रहेगा, बस लोग ऐसे सोते हैं तो वो सोएगा ही नहीं, पीठ पे सोएगा, ऐसे पीठ नहीं लगाएगा, बोलेगा कि सब भिक्षु तो ऐसे रहते, मेरे पास तो शेर भी आता है, मेरे पास चमत्कारिक बातें हैं। तो ये इसलिए पैदा करते हैं अपने इसको कि मैं साधारण जो भिक्षु है, साधारण लोग जो है उसके ऊपर मैं हूँ। कुछ लोगों को प्रबोधन अच्छा आता है, अच्छी बात रख सकते हैं, वो ऐसे कहेंगे कि साधारण मेरे जैसा कोई भिक्षु नहीं है, तो मैं सबसे ऊपर हूँ, यानी मैं सुपरमैन हूँ। और वो कौन, वो स्वयं घोषित करता है, दूसरे लोग उसको नहीं समझते, उसको स्वयं घोषित करता है कि मैं सुपरमैन हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में, मेरे जैसा कोई नागपुर में है ही नहीं, कोई भारत के अंदर मेरे जैसा नहीं, बस मैं अकेला हूँ। इस तरह की जो भावना होती है उससे लोगों का शोषण होता है। कैसा शोषण होता है कि वो अपने आप को इतना सुपरमैन बन जाता है
वो कहता है कि मैं कहने से वैसा होता है, या मैं जो जो कहूँगा वही सही है। दूसरे के भावनाओं की, दूसरे की कोई उसको चिंता नहीं। उसको यही लगता है कि मैं जो कहता हूँ वही सही है, दूसरा मेरे बराबर बात रख ही नहीं सकता, दूसरे का ज्ञान मेरे बराबर है ही नहीं। इस तरह से कभी होता नहीं। तथागत बुद्ध भी संघ की मीटिंग लेते थे और हर चीज में संघ का परामर्श लेते थे। संघ को हर चीज में संघ को बताते कि आपकी राय क्या है, आप बताओ क्या है। तो संघ को अगर पूरी बात पसंद है तो संघ कहता है कि आपने जो बात कही वो पूरी तरह से सही है। वो किसी को थोपता नहीं किसी के ऊपर। और बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि बस मैं हूँ। उन्होंने अत्त को अपने अंदर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि समाज को तैयार करना है, समाज के लिए काम करना है। इतना अहंकार आ जाएगा तो उस अहंकार में आदमी का खत्म होगा, पूरा जो समाज को अहंकार आपका खत्म करेगा। जो आदमी अहंकारी होता है, ना बाबा साहब में अहंकार था ना तथागत बुद्ध में अहंकार था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिख कर गए तो हमारे अंदर इतना अत्त निर्माण होता है, इतना अहंकार निर्माण होता है कि वो किसी का सुनने के लिए तैयार ही नहीं, और वो किसी को कीमत ही नहीं देते। बस मैं हूँ। ये सुपर स्टाइल, ये सेल्फ स्टाइल सुपरमैन की जो है वो समाज के लिए घातक है। जैसे कोई तपस्या करने वाला हो गया, उसने इतनी तपस्या की, वो कहेगा कि किसी ने मेरी इतनी तपस्या नहीं की, मैंने किया, और मेरे को इतना सिद्धि प्राप्त हुई कि मैं अगर किसी को कुछ चीज़ दे तो किसके गले में धागा बांध दूंगा, किसी को तावीज दे दूंगा, उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि वो मेरे में ताकत पैदा हो गई। वो इस तरह से लोगों का काफ़ी नुकसान करेगा। वो गलत बोलेंगे, कई ऐसे ये हो गए कि समाज से ऊपर उठे और खुद ही बड़े बन गए कि मैं इस समाज का नेता हूँ, मैं इस धर्म का नेता हूँ। तो धर्म के अंदर ऐसी बातें वो डाल देगा वो कि जिससे समाज का शोषण होगा। जो बहुजन समाज को शोषण करेगा और कुछ चंद लोग अपने फायदे के लिए काम करेगा। अभी हमने देखे कि कई जो बाबा लोग है, कई लोग ऐसे हैं कि उन्होंने सेल्फ स्टाइल सुपरमैन, ऐसी खुद को सुपरमैन बनाया कि आप आओ मेरे पास, सभी दुखों का रास्ता मेरे पास ही है, मेरे पास ही है। किसी की पूजा करने की जरूरत, किसी भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी ईश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरे पास आओ और मुझे तुम दुख बताओ तो मैं आपके दुख दूर करूँगा। इस तरह से उसने शोषण, समाज का शोषण किया। आज वो कैद में है, आज जेल में है। वो सुपर स्टाइल की जो है भूमिका, वो बहुजन समाज को गुलाम करने वाली बात है। और अपने कुछ लोगों की, जैसे उनके कुछ शिष्य होते हैं, उसका ऐसे पैसे कमाने की बात है, ये करने की बात है, जो समाज में रहकर समाज के दुख दर्द देखकर समाज को अच्छी राह बताता है। और वो कहता है कि मैं नहीं हूँ। जो विचार है, हमारे महामानव के विचार है, वो विचार आपके लिए कल्याणकारी है। अब तथागत बुद्ध भी कहते हैं कि जो धम्म को आचरण करेगा, जो धम्म का आचरण करेगा, धम्म के अनुसार जो आचरण करेगा वही दुख दूर करेगा, उसका ये दुख दर होगा, दूर होगा। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने स्वयं को कभी सुपरमैन नहीं कहा, लेकिन हमारे अंदर ऐसी भावनाएं पैदा हो गई कि मैं सुपरमैन हूँ,
मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ, इतने घने जंगल में मेरे को कुछ नहीं होता, सांप आते तो सांप निकल जाते, बिच्छू आते तो बिच्छू निकल जाते हैं। क्या कर रहे हो, कितना सुपरमैन बनाओगे, किसके लिए बना रहे, तो किसके लिए बना रहे हो खुद को सुपरमैन? लोगों का शोषण करने के लिए? आओ मेरे पास आओ, मेरा आशीर्वाद लो, क्योंकि मैं सुपरमैन हूँ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये सब बातें बुद्ध धर्म में नहीं है, कठोर तपश्चर्या नहीं है। तथागत सिद्धार्थ गौतम ने करके छोड़ दिया उसको, कहा कि इससे कुछ नहीं होता। तो तुम अपने विचारों पे संयम रखना चाहिए। अपने किसी ने ना बाबा साहब ने खुद को सुपरमैन बनाया, ना तथागत बुद्ध ने खुद को सुपरमैन बनाया। बाबा साहब ने बोला कि मेरे से भी मेरे गुरु है, तथागत बुद्ध ने जो धम्म की स्थापना की, मैं तथागत बुद्ध का ही धम्म आपको बता रहा हूँ। ज्योतिबा फुले ने जो कार्य किया वो भी मेरे आदर्श है, मैं उसके आदर्श पे आपको कार्य कर रहा हूँ। सुपरमैन किसी ने नहीं बताया, बाबा साहब ने खुद को सुपरमैन नहीं बताया और तथागत बुद्ध ने भी खुद को सुपरमैन नहीं कहा। हमारे अंदर क्यों ऐसी भावना आ गई कि हम सुपरमैन हैं? बड़ी बड़ी यात्रा चलती है, आओ आओ मेरे दर्शन के लिए आओ, मैं ये बड़ा परित्राण कर रहा हूँ, महापरित्राण कर रहा हूँ, आओ मेरे परित्राण में बैठोगे तो आपका कल्याण होगा। परित्राण परित्राण है, तुम्हारे परित्राण में क्या है और दूसरे भिक्षु परित्राण करते हो उसमें क्या है? काय काय का पाप और काय का पुण्य, बुद्ध धर्म में कहाँ कहाँ ये है सब बातें? सब अंधश्रद्धा होती है, अंधश्रद्धा होती है। तो हम ये जो हमारे महामानव ने जो कहा कि सुपरमैन की कल्पना बुद्ध धर्म में नहीं है, किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो दूसरे का कल्याण करे, लेकिन अवश्य मार्ग बता सकते हैं। मैं परित्राण करूंगा, महापरित्राण करूंगा तो आपका कल्याण कैसा होगा? आप जब कुशल कर्म करोगे, आपके कुशल कर्म से आपका कल्याण होगा, मेरे कुशल कर्म से आपका क्या फायदा होगा? क्योंकि मैं अपने लिए कुशल कर्म कर रहा हूं, आपके लिए थोड़ी है। मैं आपके लिए पूजा करूंगा, मैं बड़ी पूजा करूंगा, महापरित्राण करूंगा और बोलूंगा कि इस महापरित्राण से आपका कल्याण होने वाला है, आपके पूरे दुख दूर होने वाले हैं। वो कैसे होंगे? आपका अगर अकुशल कर्म है, आप अगर गलत काम करते हो तो आपका कल्याण कैसा होगा? आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण करने के लिए धम्म आपको सीखना पड़ेगा और धम्म का आचरण करना पड़ेगा, धम्म का आचरण करना पड़ेगा, उसी से आपका कल्याण हो सकता है। हमारे समाज में इतना, भारत में इतना ये हुआ सुपरमैन पॉलिसी से, अरे नहीं उसने बताया ना, ये समाज अछूत है, इतना बड़ा समाज है अछूत है, किसने बताया? ईश्वर परमेश्वर ने नहीं बताया, हमने जिसको सुपरमैन बनाया उस सुपरमैन ने बताया ये कि ये समाज अछूत है, उसको दूर रखो, मंदिर में आने मत दो, उसको ये मत करने दो, उसको अलग रखो, उसको आप कोई भी शोषण कर सकते हैं, क्योंकि वो शोषण होने के लिए उनका शोषण होने के लिए भगवान ने उनको पैदा किया। ये बात किसने बताई? ये बात किसी ने नहीं बताई। जो समाज के जिसने समाज ने जिसको सुपरमैन बनाया, समाज ने जिसको सुपरमैन माना, वही सुपरमैन ने हमारे समाज को बांट दिया, जाति को बांट दिया। किसने? वो सुपरमैन ने। क्यों? वो सेल्फ स्टाइल सुपरमैन बन गया था। अगर इतने लोगों की बुरा करने वाला, इतने लोगों का बुरा करने वाला आदमी उतने लोगों का कल्याणकारी नहीं हो सकता। जो आदमी जिसका कल्याण करता है वही कल्याणकारी होता है, जो बुरा करता है वो उनका कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। जब बुरी सिस्टम बनाए सबका बुरा के, तो आप वो लोग आपको कैसा अच्छा मानेंगे?
क्योंकि आप स्वयं सुपरमैन बन गए हैं। लोगों ने आपको नहीं बनाया, कुछ लोगों ने, कुछ आपके चेले चपाटे होते हैं वो आपको सुपरमैन बनाते हैं। वो बताते हैं अरे नहीं हमारे गुरु है, वो रात भर सोते नहीं, खाना भी नहीं खाते, बस नहीं सोते भी नहीं, बस शेर के पास में रहते, शेर उसकी वंदना सुनता है, उनको मच्छर भी नहीं काटते, उनको बीमारी भी नहीं होती। इस तरह की बातें आपके कुछ चंद लोग जो है शिष्य लोग है वो आपको सुपरमैन बनाने के लिए प्रयास करते हैं और आप उसको पैसे देते हैं, आपके शिष्य आपको उसका पालन पोषण करते हैं और वो आपको सुपरमैन बनाते हैं और वो सुपरमैन बनकर आप सब लोगों को गुलाम बनाते हो, सब लोगों का आप शोषण करते हो, किसी को दुख का मुक्ति से नहीं, दुख से मुक्ति नहीं मिलाते, क्योंकि आप जो कर रहे हो स्वयं के लिए कर रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा दान मिलना चाहिए, मुझे ये पैसे मिलना चाहिए, ये सुपरमैन की भावना है। आएंगे ये बोलेंगे अरे कितने भिक्षु एकादे उपासिका के घर में गए, लेकिन किसी उपासिका ने नहीं, किसी भिक्षु ने नहीं बोला कि ये ऐसा है तुम्हारे घर में, वो है वो है, क्योंकि वो भिक्षु सुपरमैन बन मानते नहीं, वो भावना कोई नहीं रखते। लेकिन कोई भिक्षु जाएगा और खुद को सुपरमैन बनाएगा, नहीं उसको नहीं दिखा, दूसरे भिक्षु को नहीं दिखा, मैं वो सुपरमैन हूँ कि मुझे दिखा कि आपके घर में वो चेतना घूम रही है, आपके घर में ये घूम रहे है। फिर वो पैर छूते, पंत जी क्या करना चाहिए, अरे क्या करना चाहिए, ये सब खत्म हो जाएगा तो बताओ तो हम क्या करें। इसको खत्म करना है तो महापरित्राण पाठ करो और वो महापरित्राण में ज्यादा ज्यादा दान दो। महापरित्राण किसके लिए, ज्यादा ज्यादा दान देने के लिए। उनको भी पता है महापरित्राण, नहीं तो बाउंड्री पे जाके महापरित्राण करो, चाइना बाउंड्री पे जाके परित्राण करो, पाकिस्तान के बाउंड्री पे जाके परित्राण करो। अभी कोरोना आ गया तो परित्राण से हटा दो कोरोना, कोरोना को क्यों नहीं हटाए, ये सुत्त बोलो वो सुत्त बोलो, क्यों विहार बन करके रखे, क्यों नहीं करुणा आपके मंत्रों से आपके गाथा से क्यों नहीं करुणा भग गया। ये जो बातें हैं हमें समाज को सतर्क करना पड़ेगा, इससे समाज का काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी समाज का नुकसान होता है। इस बारे में आपको अवश्य सोचना पड़ेगा, अगर इस बारे में आप नहीं सोचेंगे तो समाज का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो सुपरमैन की जो कल्पना है वो नहीं, वो गलत है। जो समाज के साथ में मिलजुल कर रहता है, समाज के कल्याण की बात करता है, समाज के हित की बात करता है, वो अपने स्वयं के हित की, स्वयं के कल्याण की नहीं बात करता है, मेरे में पावर है, ये मेरे में पावर है, इसकी बात नहीं करता है। वो कहता है कि मैं समाज, मैं चिकल से पैदा हुआ, मेरे में कोई पावर नहीं है, मैं चिकल से पैदा हुआ और चिकल से बड़ा हुआ, अब मेरा काम है कि समाज को अच्छा बनाने का। समाज में आसक्ति है, अंधश्रद्धा है, सुपरस्टिशन है, सब समाज में, अभी इससे दूर करने का काम मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसी समाज से निकला हूँ। आप तो समाज में और चमत्कारिकपना बढ़ा रहे हो, सुपरस्टिशन बढ़ा रहे हो, ये तो बाबा साहब के विचारों के सब पूरा अलग काम कर रहे हो, ये क्या है। तो ऐसी जो स्वयं भू अति मानव की भावना यानी सेल्फ स्टाइल सुपरमैन की भावना, इसी से इस देश में जाति व्यवस्था निर्माण हुई, इसी से इस देश में वर्ण व्यवस्था निर्माण हो गई, इसी से समाज में चमत्कारिकपना शुरू हो गया, इसी से समाज का जितना भी नुकसान हुआ वो इसी से ही हुआ कि समाज में वो अकेला खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं सुपरमैन हूँ और समाज ने उसको मान लिया। समाज ने उसकी परीक्षा नहीं की कि तुम्हारा जो भावना है, तुम्हारा नॉलेज सभी लोगों के लिए है, तुम्हारा विचार सभी लोगों के कल्याण के लिए है,
ये अगर पहले से सोचते थे, अगर उसको सवाल पूछते थे कि समाज के सभी वर्ग के लिए तुम्हारी कल्याणकारी भावना है, समाज के सभी वर्ग के लिए सुख और कल्याण की भावना तुम्हारी है, अगर ऐसा है तो हम आपको समाज का प्रमुख मानते हैं, आपका आदेश का पालन भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चंद लोगों के कल्याण की बात करने के लिए चंद लोगों ने ही उसको सुपरमैन की भावना देकर सुपरमैन बना करके काफ़ी बहुजन समाज चंद लोगों ने उसको सुपरमैन बनाया और बहुजन समाज का नुकसान करने के लिए सब सिस्टम बनाई है, पूरी सिस्टम बन गई। किसके लिए बनी? कि इसके समाज का शोषण हो, समाज का लाभ हो, समाज का कल्याण हो, इसलिए ये सिस्टम नहीं बनाए। और ये सिस्टम किसने बनाए? जो समाज ने सुपरमैन की भावना जो कर दिए कि ये जो बात बोलेगा वो सही है, इसकी पूजा करो, इसने जो आशीर्वाद दिया इससे कल्याण होगा। तो इस तरह से एक आदमी को बड़ा करके उन्होंने उसको सुपरमैन बनाया और उस सुपरमैन ने सबका शोषण किया। इस तरह से अभी भी समय गया नहीं, अभी भी इस तरह के जो लोग होते हैं समाज में होते हैं, खुद को सुपरमैन समझते हैं कि सामान्य इंसान में जो ताकत नहीं वो हमारे में ताकत है, सामान्य इंसानों के जो विचार नहीं वो हमारे विचार है, सामान्य भिक्षु जो नहीं कर सकता हम करते हैं, सामान्य जनता सामान्य जनता से आशीर्वाद से कुछ नहीं होता लेकिन हमारे आशीर्वाद से होता है। इस तरह से ये भावना निर्माण होती है, वो समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है, समाज के लिए हानिकारक है। ऐसे बातों पे आपने ध्यान नहीं देना चाहिए, इससे समाज का नुकसान होता है। तो हम सब मिलकर के समाज का कल्याण करना एक आदमी का काम नहीं है, एक सुपरमैन का काम नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने साथ कई संगठना जोड़ी थी, कई लोगों को जोड़ा था और उनको प्रशिक्षित किया था। तथागत बुद्ध ने भी भिक्षु संघ को प्रशिक्षित किया, ये नहीं कहा कि मेरे आशीर्वाद से सब होगा। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि मैं सुपरमैन हूँ मेरे आशीर्वाद से सब होगा, ऐसे हमारे महामानव ने कभी नहीं कहा। तो हमें इस पे ज़्यादा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हमारे बच्चे से लेकर पूरे परिवार को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे विचार देंगे तो हमारा पूरा परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा। समाज में अच्छे विचारों को हम प्रचार करेंगे। तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को कहा कि तुम जाओ समाज में अच्छे विचारों को दो, सुपरमैन बन के समाज के सामने खड़े मत रहो, तुम अच्छे विचार दो, एक समाज के आदर्श बन के समाज के सामने आदर्श बन के बैठ के मत रहो कि मैं आदर्श हूँ समाज का, मेरे पास आओ मेरे आशीर्वाद से सब होगा साहब, ऐसे मत कहो, ऐसे नहीं करना। तथागत बुद्ध ने भिक्षु को कहा कि तुम गांव-गांव जाओ और गांव-गांव जाके लोगों को मार्ग बताओ, उसको सिखाओ, उनको ट्रेनिंग दो कि ये मार्ग से ऐसे बात करेंगे, ऐसे विचार रखेंगे, ऐसी शारीरिक कृति करेंगे, ऐसी वाणी की कृति करेंगे जिससे आपकी समस्याएं दूर हो सकती है। ऐसा मार्ग दो, मार्गदर्शन करो, आप मार्गदाता हो, कोई आप चमत्कारिक बाबा नहीं हो। इस तरह से जो बात है हमको सीखना पड़ेगा, समाज के कल्याण के लिए गांव-गांव जाना पड़ेगा और जो सुपरमैन की पॉलिसी है उसको हमें हटाना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सुपरमैन की पॉलिसी है, सुपरमैन की भावना है, सेल्फ स्टाइल सुपरमैन की सिस्टम है, ये समाज में बड़ी घातक होती है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और इसके बारे में हमें काम करना चाहिए। जो अच्छे विचार है वो समाज तक पहुँचे और समाज को शोषण करने वाले विचार हैं उस शोषण करने वाले विचारों से समाज को मुक्त करें, ये हमारा काम है, तभी है समाज का दुख हम दूर कर सकेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको दुख मुक्ति का मार्ग मिले।